असद मुझे ले आया अपने साथ गुजरांवाला, और गुजरांवाला आके जो सबसे पहला प्लान बना हमारा, एक तो रास्ते की थकावट, गर्मी, धूप, और सबसे बड़ी बात जो है हमें पीटर चलता हुआ मिल गया, वो वाला पीटर जहाँ हम छोटे होते यानी बचपन में नहाया करते थे। तो आज हम दोबारा जा रहे हैं वहाँ पे उस पीटर पे नहाने के लिए, और मेरे साथ चलेंगे मिस्टर असद अली। और आज असद के साथ जरा वहाँ पे जो है ना, आज फिर से दो दो हाथ होंगे और बहुत सारे कंपटीशन। फिर इन्होंने बोल रही है खैर क्या है यार, बड़ा थका हूँ ना छोड़े। आपकी थकावट ही दूर करने जा रहे हैं असद को, आज फ्रेश करेंगे हम वहाँ पे हौदी में, ट्यूबवेल वाली गोते दिला दिला के। अस्तगफिरुल्लाह, फ्रेश तो ऐसे कह रहे थे, मुझे लगा शायद वो दुबाएगा। दुबाएगा? हाँ दुबाएंगे पानी के अंदर आपका सर। और चौथा भी तीसरा, एक दो तीन चार, और वो पीछे पांचवे का भी दिल चाह रहा है जिसे मना करके आया था मैं, लेकिन अब नहीं मना होगा, वो आएगा ही आएगा। तो बचपन की यादों में से बहुत ही यादगार किस्म का एक ये डेरा है। जहाँ से वाबस्ता है हमारी बहुत सी यादें, और ये ख़ास तौर पे ट्यूबवेल से, क्योंकि इसी ट्यूबवेल पे जो है वो गर्मियों का मोस्टली एंड जो होता सीज़न होता था वो यहाँ पे गुजरता था, ख़ास तौर पे धान और चावल की फसल का जो टाइम होता था, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलता रहता था और घर के बिल्कुल करीब था। तो वही यादें ताज़ा करने के लिए आए हैं आज हम यहाँ पे, और वो क्या क्या यादें थी वो अभी आपके साथ शेयर करते हैं। आ रहा है असद, आप भी? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ मेरी भी यादें। आपकी भी है? नहीं। कितने गोते खाए आज तक आप दोनों में से, किसने ज़्यादा खाए? मैं नहाते नहीं ऐसी जगह पर, गंदी जगह, मैं सही मैं वो छिछे वाली नहर नहाता। आपने कितने गोते खाए हैं यार? मैंने, मुझे तैरना ही नहीं आता। मैं गोते कितने खाए हैं? गोते कोई खा नहीं है, चास को बस। आपने कोई भी नहीं, कभी भी नहीं? चलिए फिर आज आपको खिलाते हैं गोते। आप मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं कैमरा मैन। गोते खाए हैं लेकिन इधर नहीं खाए। अच्छा चले, आज गेहूँ खाए। अंदर जूता वगैरह नहीं लेके जाते, क्योंकि यहाँ से जानवर वगैरह जो है वो पानी पीते हैं, और रेत वगैरह अंदर जाए या मिट्टी वगैरह अंदर जाए तो वो उनके लिए डिस्टर्बेंस है, और वैसे भी एतराज़ करते हैं जो ओनर है यहाँ के। तो इस किसी की भी किस्म के एतराज़ से बचने के लिए जो है, जैसे वो मतलब इंस्ट्रक्ट करें वैसे एक्ट कर लेना चाहिए, ताकि ना तो हमें परेशानी हो ना हो। तो कोई इजाज़त देता है तो उसको नुकसान या उसको जो है उस चीज़ के लिए सज़ा नहीं देनी चाहिए, वैसे ही कर लेना चाहिए थोड़ा सा जैसे वो चाहें। वैसे जब मैं पहले जब आता था यहाँ पे, गहरा ज्यादा नहीं है लेकिन ठंडा बहुत है। एक ही गोते ने जो है वो काफ़ी सारी थकान साइड पे कर दिया, बाकी भी असर आता तो एंजॉयमेंट तो फिर होगी। गर्मी चाहे जितनी भी हो, 5 से 7 मिनट इस बंदा 5 से 7 मिनट कोई बंदा इसके अंदर बैठ नहीं सकता, इतना ठंडा पानी है। और दो ही दफ़ा मैं अंदर गया हूँ और एक गोता लग गया मुझे, यानी नाक में पानी चला गया एकदम। अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सांस की कंपटीशन करना मेरे साथ। चलो चलो, पहला कंपटीशन होने जा रहा है। मेरे साथ ट्रेकिंग कर रहा है। Are you ready? Yeah.
ने विनर करार दे दिया, कुछ गड़बड़ हुई है। हां भी कर कैमरा को अच्छा सी लग गया हूं। आगे भी आते दो दफा हार गया। मुझे लगा तुझे शॉट लेना है। डिजिटल कैमरा किधर करो? और नेक्स्ट जो हमारा कंपटीशन है, जो हम पहले भी किया करते थे, तब थोड़ा छोटा था, लेकिन अब मेरी हाइट इतनी हो गई है कि शायद इस लेंथ में पूरा वो आ जाऊंगा। लेकिन जगह हमारा कंपटीशन है अब इसके गिर्द चक्कर लगाने का, इसके अंदर रहते हुए पानी के अंदर बगैर सांस लिए कौन ज़्यादा लगाता है। तो पहले लगाएगा सर, चक्कर लगा के दिखाएंगे अभी। दो चक्कर, दो चक्कर, पहले लगाएगा असद। चले असद, आप मेरे रखो। और हौसला अफजाई के लिए अभी टोकरी सामने आएगी, उसको जरूर फील कीजिएगा। आगे बोलो, आप तो आप ही कह सकते हो अख लाल रहती है। गाँव में पानी के लिए छोटे छोटे से खाल हैं, लेकिन यहाँ पे इस पानी को जितना इस ट्यूबवेल का पानी है, देखे इसको कंट्रोल करने के लिए पूरी एक नहर कितना, नहर जितना बड़ा खाल बना। वो कहते हैं खून ठंड पहियू। हवा का शोर काफ़ी है, लेकिन ये कि मौसम भी काफ़ी गर्म था सारा दिन। अभी जो है मौसम चेंज हो गया। हाँ यार, तो अभी काफ़ी हो गया, मगर रस्ते में तो आज धूप की सूरज की जो धूप थी, उसके अलावा जो सड़क की तपिश थी वो, उसके अलावा जो इंजन की थी ना, उसका ना ही पूछो। और ये थी आज की हमारी वीडियो, हमारा आज का मज़ा और हमारी एक याद। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, वो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हम चले अब खाना खाने और सोने, क्योंकि थकावट काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है।